और ये अब हम मसूरी के ट्रैफिक में फंस गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड वरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण द वंडर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग आपको मसूरी का मिलने वाला है, तो बस अभी सुबह हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं एक आध घंटा और अभी बज रहा है कोई 9:30 और हम बस मसूरी के लिए निकल रहे हैं। तो आज मेरी जो राइड होने वाली है वो सोलो नहीं होने वाली है, मेरी वाइफ मुझे ज्वाइन कर रही है, तो अब हम सोलो नहीं है इस राइड पे। तो बस निकलते हैं हम मसूरी के लिए और मिलता हूँ मैं आपको अपनी बाइक पे। और मसूरी का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है और जो ट्रैवलिंग टाइम होने वाला है वो 1 से 1.5 घंटे का हमारा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से निकलते हैं और मिलते हैं फिर आप लोग अपनी बाइक पे। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल गए हैं मसूरी के लिए और आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो यही हाईवे लेके मैं धनौल्टी गया था, जो सुरकंडा देवी का मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया था। तो यही हाईवे है, वहाँ से हम डाइवर्ट हो जाते हैं राइट के लिए धनौल्टी के लिए और अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो मसूरी चले जाएंगे। तो आज मैं आपको अपने साथ मसूरी लेके जा रहा हूँ और आई होप आप लोगों को मेरे उत्तराखंड के जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे उत्तराखंड के व्लॉग्स। तो रिपीटेडली ये रास्ता ना दिखाते हुए मैं जब मसूरी के लिए कट लूँगा तब आपसे मिलता हूँ और कोई अच्छी लोकेशन आती है तो वो आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और एक चीज़ और बताइएगा, मैंने विंडशील्ड लगाई है तो कैसी लग रही है आपको? यार फोन नीचे लगा रहता था ना तो डस्ट और काफ़ी पड़ता था और विंड ब्लास्ट तो पड़ता ही पड़ता था, तो उस कारण से मैंने ये लगाई है विंड स्क्रीन। हम आ गए हैं अब श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, अपनी बाइक पार्क करते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर बना हुआ है मंदिर ये। और आप मसूरी हाईवे पे जब जाएंगे तो देहरादून से केवल 10 से 15 मिनट में ये मंदिर आपको मेन हाईवे पे ही मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है मसूरी रोड देहरादून। और दोस्तों ये मंदिर बाहर से जितना सुंदर था उतना ही अंदर से सुंदर है और अंदर शॉप्स भी बनी हुई हैं। तो इनकेस अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, सोविनियर्स या कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अभी भगवान के कपाट बंद है तो हम अभी वेट कर रहे हैं भगवान के कपाट खुलने का। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं तो ये जो शिवलिंग है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर, क्योंकि बोलते हैं कि ये जो शिवलिंग बने हुए हैं वो दुर्लभ पत्थरों और सेफ्टिक के बने हुए हैं। तो सेफ्टिक मैं आपको बता दूं कि सेफ्टिक एक प्रकार का बर्फ का पत्थर होता है जो कि लाखों वर्ष बर्फ में दबा होने के बाद इस तरह का बन जाता है। तो यहाँ का मेन आकर्षण यही है। ये देखिए सेफ्टिक के आपको शिवलिंग दिखेंगे, यहाँ छोटे शिवलिंग भी सेफ्टिक के हैं और जो बड़े शिवलिंग मैंने आपको सामने मंदिर के साथ में दिखाए वो भी सेफ्टिक के बने हुए हैं। तो आइए थोड़ी सी पूजा अर्चना कर लेते हैं, यहाँ तक आए हैं तो। और दोस्तों ये मैं पहला मंदिर देख रहा हूँ जहाँ लिखे हुआ है कि पैसे ना चढ़ाएं, नहीं तो आप मंदिर में तो देखते ही हो कहीं ना कहीं दान पात्र लगा होता है, दान पेटी लगी होती है और इस तरह के आप चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं, मोतियों की माला वगैरह। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से मैं धनौल्टी ले गया था आपको। अगर हम देखिए राइट चले जाएंगे तो धनौल्टी आ जाएगा और आज हम आपको मसूरी ले जा रहे हैं और यमुनोत्री के लिए भी यहाँ से रास्ता है 132 किलोमीटर यमुनोत्री।
तो आज हम आपको मसूरी लेके जा रहे हैं। तो मसूरी के सफर में हमारे साथ बने रहिए। हवा में डिफरेंस आ गया है, जो देहरादून में हल्की गर्मी सी थी, इधर हवा ठंडी हो चुकी है अब, क्योंकि हमने हाइट भी काफी गेन कर ली हुई है। और ये अब हम मसूरी के ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मसूरी में एंटर कर गए हैं और मेन रोड पे थोड़ा सा काम चल रहा था तो डाइवर्ट किया है उन्होंने। और आपको बता दूं, अगर आप टू व्हीलर लेकर आ रहे हैं तो मसूरी में आपको 100 रुपीज़ एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी टू व्हीलर की, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। वेल, कोई बात नहीं, घूमने आए हैं तो अब क्या देखना। ओ बाप रे, बड़ा ट्रैफिक है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मॉल रोड पे और मॉल रोड की हालत इस समय तो बड़ी ख़राब है। ये देखिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आई थिंक कोई लाइन वगैरह डल रही है। तो हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। थैंक यू भाई। तो ये मॉल रोड है, इस समय मॉल रोड की हालत बहुत खराब है। भैया मॉल रोड के लिए नीचे। हैं? और इंडिया का फ्लैग कितना सुंदर दिख रहा है। तो यार, कुछ इस तरह की है मसूरी की मार्केट। और इस समय आई अंडरस्टैंड कि कुछ काम चल रहा है पाइप डालने वगैरह का, तो उस कारण से पूरी रोडें खोदी हुई हैं और ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है छोटी छोटी गलियों से, तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। और टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। धूप होने के बावजूद हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है यहाँ पर। और इस तरह के होटल और रेस्टोरेंट्स आपको पूरे लाइन से मिलेंगे, तो एकोमोडेशन की और खाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़रूर होने वाली है और पार्किंग की प्रॉब्लम आपको ज़रूर होने वाली है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आइएगा कि पार्किंग जहां आपको मिले वहां आप पार्क कर दें अपनी गाड़ी, जहां वैलिड पार्किंग हो। तो फ्रेंड्स, बस अभी हम गांधी चौक पर आ गए, जो मसूरी का मेन चौक है। ये देखिए गांधी जी का स्टैचू, और ये है मसूरी का मेन चौक। तो अभी आपको मैं मॉल रोड से लेकर आया। आई होप आपको मॉल रोड पसंद आई होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था यार, काफ़ी टूटी हुई थी और भीड़ भी बड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप स्कूटी भी रेंट पे यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए स्कूटीज लगी हुई हैं यहाँ पर रेंट पर्पज से, तो आप स्कूटी यहाँ पर रेंट पर लेके सारी आसपास की जगह घूम के आ सकते हैं। यहाँ से मसूरी से निकलेंगे हम लैंडोर की तरफ, तो लैंडोर भी आपको दिखाऊंगा। और बस ये देखिए, यही हैं यहाँ के नज़ारे।
और आइए थोड़ा सा पीछे से आपको वहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये देखो सुंदर सुंदर नजारे, क्या हवा चल रही है। ये देखो फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है सब जगह, और हवा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा हवा का। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत तेज हवा यहाँ पर चल रही है इस समय। और फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब हम लैंडोर की तरफ, और लैंडोर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 10 से 11 मिनट की हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। मोशन नहीं तोड़ो बाबा, भाई साहब शार्प टर्न, अरे भाई ये तो है बड़ी चढ़ाई।